हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिताज फूड कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए सांभर की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से अगर आप सांभर बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा ग्लास तूर दाल लिया है, तो इसे हम अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी, और आधा से 1 घंटे के लिए हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। अब दाल तो हमने रख दिया है भीगने के लिए। अब ये देखिए, ड्रमस्टिक्स को हम काट लेंगे। सबसे पहले हम ड्रमस्टिक्स के छिलका निकालेंगे। इसे सहजन या मुनगा भी बोला जाता है बहुत सारे एरियाज़ में, बट इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक्स बोलते हैं। तो आप इसके छिलके इस तरह से निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है किसी भी नाइफ़ की हेल्प से। और आप एक बार जब इसमें बीच में कट लगाएंगे तो वो खुद ही इतने सारे रेशे छोड़ देता है, फिर आप उसको हटा दीजिए। फ्रेंड्स, ड्रमस्टिक्स को हम 2 से 3 इंच के लेंथ में काट लेंगे एक बार छीलने के बाद। तो ये देखिए, मैंने सारे ड्रमस्टिक्स को 2 से 3 इंच के लगभग काट लिया है। फ्रेंड्स, इसे अब हम क्या करेंगे कि एक अलग से पैन में डालेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे, यानी कि हमें इसे अलग से पकाना है। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लेनी है। सब्ज़ियों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याज, 5 मैंने भिंडी ली है, आप 5 से 6 ले सकते हैं, 1 गाजर लिया है, 1 मूली ली है मैंने, 1 आलू लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, 2 लिया है मैंने टमाटर, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 7 से 8 हम बीन्स ले लेंगे, ये शॉर्ट बीन्स हैं। फ्रेंड्स, सब्जियों में आप कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं, लौकी भी ले सकते हैं, केला यूज़ कर सकते हैं कच्चा। इसे हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, गाजर को मैंने ऐसा शेप दिया है, लगभग हम स्क्वायर नॉर्मल साइज़ का हम काट लेंगे। आप चाहे तो सब्जियों को बड़ा छोटा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं। मूली देख लीजिए, तो इस तरह से मैंने सभी सब्जियों को काटा है। बीन्स को लगभग 1-1 इंच का शेप दिया है, टमाटर को आप अपने मनचाहे अनुसार काट सकते हैं। अब एक कुकर लेंगे और जो हमने दाल भिगा कर रखा हुआ था वो इसमें सबसे पहले डाल देंगे कुकर में। फ्रेंड्स, दाल के बाद अब सभी सब्जियों को हम कुकर में ही डाल देंगे, क्योंकि दाल और सब्जियों को एक साथ पकाना है। आप चाहें तो तुअर दाल में थोड़ा सा मसूर का दाल भी डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले जनरली डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी सब्जियों को डाल दिया है इसमें, लेकिन मैंने मुनगा को अलग से पकाया, यानी कि ड्रमस्टिक को अलग से पकाया, क्योंकि वो टूट जाता है अगर आप कुकर में डालेंगे। अब इसी में 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाल देंगे और लगभग 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। नमक स्वाद के अनुसार रहेगा, ये टीस्पून की बात कर रही हूँ मैं, छोटे चम्मच से मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाला है। उसके अलावा 2 ग्लास मैंने पानी डाला है, 250 ml वाली ग्लास है, तो लगभग 500 ml मैंने इसमें पानी डाला है, 1/2 लीटर इसमें पानी है। अब बस एक बार इसे चलाकर और इसे कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ड्रमस्टिक्स भी पक रहे हैं, आधे से ज़्यादा ये लगभग पक चुके हैं, थोड़ी देर और पकेगा। अब ये देखिए, यहाँ कुकर में भी 1 विसल आई और ये देखिए, ये 2री विसल भी आ चुकी है, तो 2 विसल तक मैंने इसे पका लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1.5 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, आप मेथी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 मैंने मीडियम प्याज काट लिया है, इसके अलावा करी पत्ता थोड़ा सा, 2 हरी मिर्च लिया है जितना तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग, 7 से 8 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फ्रेंड्स, अदरक और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, जीरा और खड़ा धनिया। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन सभी चीज़ों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अदरक लहसुन तो बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सभी चीज़ों का मैं क्या करती हूँ कि इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब मसाले साबुत है तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं पीसने के बाद, इसलिए मैं जनरली यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा साबुत मसाले इसको मिक्सी में डालकर और इसका पेस्ट बना लेती हूँ, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ड्राई पीस कर इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि अदरक और लहसुन बिल्कुल इसमें ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैं हमेशा ही अदरक लहसुन डालती हूँ। बट अगर आप ऑथेंटिक सांभर की बात करें तो इसमें जनरली अदरक और लहसुन नहीं डाला जाता है। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ क्योंकि वो कम तीखा होता है, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच मैं यहाँ गरम मसाला डाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने सभी मसालों का यहाँ पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार किया है मैंने, तो मसाला भी हमारा रेडी है। चलते हैं आगे। अब ये देखिए, जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो जाए कुकर का, उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 2 विसल आने तक पकाया है, सभी सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं, ये देखिए।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे कि ड्रमस्टिक्स यानी कि मुनगा या सहजन आप जो भी बोलते हैं उसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी अच्छी तरह से पक चुका है, इसे भी हम दाल और सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। चलते हैं अपने फाइनल स्टेप यानी कि तड़का लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स तड़का के लिए लगभग 3 चम्मच मैंने तेल लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें राई डाल दिया, आप चाहें तो सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं एक सूखी मिर्च डाल रही हूँ, मैंने एक ही डाला है, आप चाहे ज़्यादा डालिए। थोड़े से कड़ी पत्ता, जब ये अच्छे से जल जाए यानी कि तड़का रेडी हो जाए तो आप इसमें कटे हुए प्याज डाल दीजिए। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए या स्किप कर सकते हैं। इसे लाइट पिंक इस तरह से होने तक हम भून लेंगे प्याज को, जब ये बिल्कुल नरम हो जाए। और फाइनली इसमें हमने जो रेडी करके रखा है ना मसाला, वो डाल देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप चाहे तो इसकी जगह ड्राई यानी कि पाउडर मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो प्याज का कड़वापन और मसाले जो है वो जल जाते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने और हल्दी डाली है, क्योंकि 1 छोटा चम्मच हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो मसालों के साथ थोड़ा सा हल्दी मैंने और डाला है। मसालों के साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, ये भून जाएगा तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स मसालों को लो या मीडियम फ्लेम पर ही भुनना चाहिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए इसका मॉइस्चर पूरा अच्छे से सूख चुका है, मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो उसी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी लेके वापस इसमें हम डाल देंगे मसालों में, और एक बॉयल आने तक इसे फिर से हम पका लेंगे थोड़ा मसालों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाले रेडी हैं। 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक और डाल दिया है, क्योंकि 1 छोटा चम्मच नमक मैंने पहले भी डाला था। और लास्ट में मैं थोड़ा सा इमली का पानी डाल रही हूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर से भी खटाई कर सकते हैं या फिर आमचूर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब फाइनली इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे सब्जी और दाल के साथ, जो हमने पका कर रखा हुआ है पहले से। अभी फ्लेम ऑफ है गैस का, तो मसाला एक बार जब मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से, आप इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद वापस फ्लेम ऑन करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फिर से पकाना है। जितना भी मसाला वाला थोड़ा पानी था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स करके वापस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुकर का ढक्कन ढक के, फ्रेंड्स हमें कुकर बंद नहीं करना है, जस्ट ऊपर से ढक के इसे 5 मिनट पकने देना है। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट और पका लिया है, सांभर अब बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट ही अच्छी तरह से पक चुका है, अब आप देख सकते हैं ड्रमस्टिक्स भी टूटा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी सांभर की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप मेरी और भी रेसिपीज़ देख पाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो फ्रेंड्स तब तक आप ये सांभर बनाइए, इन्जॉय कीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।